बहुत लंबे समय के बाद ट्रेन का सफर होगा। गाली तो तू खाने लायक काम ही करता है। 80,000 का है और वो वाला कार जबलपुर हाँ जबलपुर से। जबलपुर से हाँ बताओ तुम कहाँ रहते हो? कौन सी जगह है? जरहा गाँव हाँ। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ अभी बिलासपुर। अच्छा बिलासपुर, फिर वहाँ से रांची। रांची जाओ। हाँ ठीक है चलो। अच्छा लगा आपसे। ओके भाई, फिर मिलेंगे कभी। ठीक है, नॉन स्टॉप सनी से इंस्टाग्राम में मेरा मैसेज मारना। आ चुके हैं यहाँ पे बहादुर गैराज बिलासपुर पे आ चुके हैं, और मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी छोड़ दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यहाँ से आप कुछ सब कुछ ले सकते हो। और थक चुके हैं तो रेडबुल ले रहे हैं, और देख रहे हो आपका भाई 300 किलोमीटर के ऊपर की राइड करके आया, उसके बाद भी स्मार्ट लग रहा है ना। तो चलो आगे का जो सफर है वो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कौन कौन आज मिलने आने वाला है। चालू कर रहे हैं। अरे मेरी ही चालू कर रहे हो, मतलब अपनी स्टार्ट भी नहीं करोगे? अरे चाबी अंदर है, देख रहे हो, मतलब यहाँ पे भाई मुझको टेनार का साउंड सुनना था यार। हाँ, और ये भाई लोग हैं हमारे सब। चलो भैया। हाय हाय। तो बहादुर गैराज पे आ चुके हैं और ये हमारे भाई लोग आए हैं सब, और ये पाजी इतनी देर से समझ ही नहीं आ रहे थे कि हमारे लिए आए हैं कि कहीं और के लिए आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम, और लाला भाई कहाँ गए? हमारे दो लाला भाई भी आए, YouTube पे भी आएगा। हाँ YouTube पे भी आएगा और MTV पे भी आएगा। तो इसका कोल्ड स्टार्ट करते हैं और एक बार इसका टेम्परेचर हो जाए उसके बाद। Mm-hmm.
चाबी लाओ, चाबी चाबी चाबी। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भाई लोग आए हैं हमारे और प्रतीक घबरा रहा है पुलिस ना आ जाए। भाई उनको भी पता चलेगा, मोटिवेट होंगे बाइक के लिए। तो आओ आपको मैं अंदर से बहादुर गैराज दिखाता हूँ पहले कि क्या क्या है यहाँ पे, उसके बाद सबसे मिलवाता हूँ। यहाँ आपको हेलमेट जैकेट राइडिंग गियर सब कुछ मिल जाएगा। और ये हमारे भाई लोग हैं, ये लाला भाई एक, लाला भाई दो, और गनी श्रीवास्तव। सनी श्रीवास्तव। क्या 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 क्या, क्या नाम? गनी श्रीवास्तव। गनी, ओहो गनी भाई आए हुए हैं। तो साहिल श्रीवास्तव, साहिल श्रीवास्तव, ये हमारे दो श्रीवास्तव भाई आए हुए हैं और ये भाई लोग मिलने आए हैं। तो कुछ सेल्फी सेल्फी लेते हैं, उसके बाद करते हैं आगे। रात में जाने वाले हैं, वैसे भी आज जाने वाले हैं बिलासपुर आरसी कप के लिए। तो क्या बोलते हो, मचेगा ना आरसी कप पे? बिल्कुल जबरदस्त होगा। 1000 रुपए का चालान हुआ है हमारे भाई का साइलेंसरों के लिए। ये जो अभी आप लोगों ने साउंड सुना, उसका 1000 का साइलेंसर का लगा हुआ है, नुकसान हुआ। बहुत लंबे समय के बाद ट्रेन का सफर होगा और लगभग 1.5 साल के बाद ट्रेन का सफर है। क्यों आज बाइक छोड़ के ट्रेन पे? और रांची में ठंड है कि नहीं है? गाली तो तू खाने लायक काम ही करता है। रांची से? अरे मतलब रांची में ठंड है और यहाँ हम लोग कुछ भी नहीं पहने ऐसे ही जा रहे हैं। जबरदस्त। और ट्रेन छूटने वाली थी लिटरली, बस पकड़ लिए जैसे तैसे, बस ठीक है चल रहे हैं। और ये चल रही है ट्रेन, और आज बाइक को छोड़ के वापस ट्रेन पे, और ट्रेन को छोड़ के फिर वापस बाइक पे आएंगे। तो रांची में हमारी बाइक रेडी है, बस तो वहां से उठानी और फिर उसके बाद रेस करनी है ना भाई। 80,000 का है और तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। वो वाला कार्बन का नया है एकदम फ्रेश व्हाइट वाला। क्यों मैं ले जाऊंगा? कौन ले जाएगा? भाई ले जाएगा हमारा। ठीक है, अगर ये रेस तुम जीत गए तो ये भाई हेलमेट गिफ्ट कर देंगे। ओह तो फिर ऐसे, फिर तो ऐसे ही जीत गए, मतलब बिना रेस खेले जीत गए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बस मजा आ जाएगा, सफर ऐसे ही कट जाएगा। और ये बिलासपुर को बाय बाय कर रहे हैं हम। आप कहाँ से हो? और यहाँ काम के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। ये भैया भी बैठे हुए हमारे साथ, और बस रांची पहुंचते हैं और इनसे समझते हैं रांची के बारे में कि कैसा क्या है रांची में। और शक्ल तो देख ही रहा, भगते भगते ट्रेन पकड़ी है, फिर भी चलो पकड़ तो ली। वरना भाई हमारा रेडी था चेन खींचने के लिए, है ना? बोला भाई मैं चालान अलान सब लेने रेडी हूँ। एक तरह शॉर्ट ले लिया मैंने। Body for